चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में एक नई बीमारी सामने आ रही है, जिसका नाम है ब्लैक फंगस। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि लोगों की जान बचाने के लिए उनके शरीर के अंग तक काटकर निकालने पड़ रहे हैं। सबसे पहले दिसंबर की शुरुआत में इसके मामले दिल्ली में सामने आए। इसके बाद गुजरात के अहमदाबाद में भी इसी तरह के मामले आने के बाद राज्य सरकार ने इससे बचने के लिए एडवाइजरी जारी की। ऐसे ही कई मामले राजस्थान पंजाब में भी सामने आए। इनमें से कुछ मरीजों की मौत हो गई तो कुछ को संक्रमण से बचाने के लिए उनकी आंखें तक निकालनी पड़ी। अब जानते हैं कि क्या है ब्लैक फंगस। ये एक फंगल डिजीज है जो म्यूकर मायोसिस नाम के फंगाइल से होता है। ये ज्यादातर उन लोगों को होता है जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी हो या वो ऐसी दवा ले रहे हो जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती हो या शरीर के दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम करती हो। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। अब सवाल ये है कि ब्लैक फंगस शरीर में कैसे पहुंचता है और इससे क्या असर पड़ सकता है। ज्यादातर सांस के जरिए वातावरण में मौजूद फंगस हमारे शरीर में पहुंचते हैं। अगर शरीर में किसी तरह का घाव है या शरीर कहीं से जल गया है तो वहां से भी यह शरीर में फैल सकता है। अगर इसकी पहचान शुरुआती दौर में नहीं की जाती है तो आंखों की रोशनी जा सकती है या फिर शरीर के जिस हिस्से में ये फंगस फैले हैं शरीर का वो हिस्सा सड़ सकता है। ब्लैक फंगस कहाँ पाया जाता है? ये बहुत ही गंभीर लेकिन एक दुर्लभ संक्रमण या रेयर इन्फेक्शन है। ये फंगस वातावरण में कहीं भी रह सकता है, खास तौर पर जमीन और सड़ने वाले ऑर्गेनिक पदार्थों में, जैसे पत्तियां, सड़ी लकड़ी और कंपोस्ट खाद में ब्लैक फंगस पाया जाता है। इसके लक्षण क्या है? इस बीमारी के लक्षण इस पर निर्भर करते हैं कि शरीर के किस हिस्से में इन्फेक्शन हुआ। चेहरे का एक तरफ से सूज जाना, सिर दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट पेन होना, साइनस कंजेशन होना, मुंह के ऊपरी हिस्से या नाक में काले घाव होना आदि इसके लक्षण हैं, जो बहुत ही तेजी से गंभीर हो जाते हैं। ये इन्फेक्शन किन लोगों को होता है और क्या इसका कोरोना से कोई कनेक्शन है? ये उन लोगों को होता है जो डायबिटिक है, जिन्हें कैंसर है, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो और जो लंबे समय से स्टेरॉइड यूज कर रहे हो, जिनका कोई स्किन इंजरी हो, प्रीमैच्योर बेबी को भी ये हो सकता है। जिन लोगों को कोरोना हो रहा है उनका भी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। अगर किसी हाई डायबिटिक मरीज को कोरोना हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम और ज्यादा कमजोर हो जाता है। ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन फैलने की आशंका और ज्यादा हो जाती है। कोरोना मरीज को स्टेरॉइड दिए जाते हैं, इससे मरीज की इम्यूनिटी कम हो जाती है, इससे भी उनमें ये इन्फेक्शन फैलने की आशंका ज्यादा हो जाती है। ये फंगस कितना खतरनाक है? ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, यानी कि ये फंगस एक मरीज से दूसरे मरीज में नहीं फैलता है। लेकिन ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके 54% मरीजों की मौत हो जाती है। शरीर में इन्फेक्शन कहाँ है उससे मॉर्टलिटी रेट बढ़ या घट सकता है। इससे कैसे बचा जा सकता है? कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहें, डस्ट वाले एरिया में ना जाएं, गार्डनिंग या खेती करते समय फुल स्लीव्स के ग्लव्स पहने, मास्क पहने, उन जगहों पर जाने से बचें जहां पानी का लीकेज हो, जहां ड्रेनेज का पानी इकट्ठा हो वहां ना जाएं। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। कोरोना ठीक होने के बाद भी रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर फंगस से कोई भी लक्षण दिखे तो तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इससे ये फंगस
शुरुआती दौर में ही पकड़ में आ जाएगा और इसका समय पर इलाज हो सकेगा। इलाज में थोड़ी सी भी देरी से मरीज के शरीर का वो हिस्सा जहां ये फंगस इन्फेक्शन हुआ है सड़ने लगता है। इस स्थिति में उसे काट कर निकालना पड़ सकता है। ऐसा नहीं करने पर मरीज की जान जा सकती है। अब देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, यह म्यूकर मायोसिस नाम के फंगाइल से होता है। ये ज्यादातर उन लोगों को होता है जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी हो या वो ऐसी दवा ले रहे हो जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती हो या शरीर के दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम करती हो। निम्न कथन किस बीमारी से संबंधित है? विकल्प ए कोरोना, विकल्प बी ब्लैक फंगस डिजीज, विकल्प सी डेंगू, विकल्प डी मलेरिया। कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दे सकते हैं। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प बी। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।